नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सिंह। आज हम लोग बात करेंगे, आपने हमारे चैनल यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो देखा था जिसका नाम था आज खुला मायावती की मूर्तियों का सच। ये विषय इतना गहरा है कि पूरी मायावती सरकार इन मूर्तियों के चक्कर में गिर गई थी। इसी मूर्तियों को देखते हुए हमने अनिल कुमार जी से सवाल किया था और उस सवाल पे आज पूरे देश से क्रिया प्रतिक्रिया दोनों हमारे पास आ रहे हैं और बहुजन समाज बहुत अच्छे से जागने की बात कर रहा है। वो भी बहुजन समाज, जिसको बहुत भोला भाला बोलते हैं, वो भी उसके उस जाल में आ गया जो मनुवादियों ने बिखेरा था, जिसकी वजह से बहन कुमारी मायावती को अपनी सरकार से हाथ धोने पड़े। लेकिन हमने ये क्वेश्चन फिर दोबारा इसलिए पूछा ताकि पब्लिक की वोटिंग्स का पता चले कि वो क्या चाहती है फिर दोबारा से मायावती से। तो पहला जो हमें SMS आया हुआ था वो है, मनुवादी मीडिया ने इस मूर्तियों का इतना बदनाम किया कि बहुजन उस बहकावे में आकर मायावती से दूर हो गया और ये जाने बिना कि ये पार्क और मूर्तियां किसकी हैं। ये मूर्तियां बहुजनों के उन सभी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो ये पार्क नहीं, बहुजनों का मंदिर है। ये है हमारे डॉल मोनू जी, इन्होंने बताया और वे बोलते हैं कि हमारे जो देवी देवता जिन्होंने हमें पथ पे चलाया, जिन्होंने बहुजनों को इकट्ठा करा, बहुजनों की लड़ाई लड़ी, उनके लिए मंदिर से कम नहीं है ये मूर्तियाँ। दूसरा मैसेज आया हुआ है हमारा प्रदीप कुमार जी का, ये बोलते हैं सभी मूर्तियाँ हमारे भगवान और प्रेरणादायक हैं जिसके साक्षात इतिहास में हैं, मनोवाद तो सिर्फ कल्पनाओं में और अंधविश्वासों में हैं, श्रद्धा रखने वाले हैं। सभी की क्रिया इतनी अच्छे से हम लोगों को पूरे देश से मैसेज मिल रहे हैं इस वीडियोस के लिए और हमारे कुछ SM न्यूज़ के चाहने वालों ने कहा कि आप इस पे आकर एक वीडियो और बनाएं, इसलिए हमें ये दूसरा वीडियो इसका बनाना पड़ा ताकि सभी मैसेजों को, लोगों के विचारों को आप तक दोबारा से शेयर करा जा सके। दिनेश सिंह जी हैं हमारे तीसरे, जिन्होंने बोला जागो बहुजनों जागो, SC ST OBC के एक हो जाओ, अपना वोट अपना राज, पंडितों ने राज किया, वोट हमारा। वो बोलते हैं कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो ये कहना चाहते हैं और ST OBC के लोगों को जगाना चाहते हैं। वोट हम डालते हैं 85% देश के अंदर और राज करते हैं, आपको पता है। हमारे तीसरे हैं सुभाष जी, वो बोलते हैं ये मूर्ति नहीं, हमारा गौरवशाली इतिहास है। कितनी खूबसूरती से उन्होंने बयां किया कि मूर्तियां नहीं, हमारा ये गौरवशाली इतिहास है, वो इतिहास जो बहुजन समाज के लोग जानना ही नहीं चाहते हैं या कुछ अपने परिवार तक को इस पीड़ा में झोंक चुके हैं। हमारे अगले हैं सुनील रॉक जी, ये बोलते हैं भाई हर मूर्ति के पास खड़ा हो जा और खुद ब खुद एक इतिहास बताती है। भाई मूर्तियां लगवाने में भी दिमाग लगता है और ये हकीकत बात है। इन्होंने अपनी बिल्कुल सरल भाषा में कहा है कि किसी भी मूर्ति के पास आप खड़े हो जाओ, आपको अपनेपन की फीलिंग आएगी और वो मूर्ति इस तरीके से बयां करती है, एक अपनापन बहुत सुखद अनुभव देती है। हमारा अगला मैसेज आया हुआ है गौतम एके का, ये बोलते हैं इन मूर्तियों का इतिहास, इसी से हमारे मूल निवासियों का पता चलता है। लोग गलत संदेश देते हैं, इससे ST ST OBC के लोग बचना चाहिए। किसी भी मैसेज को वायरल करने से पहले आपके मोबाइल्स पे वायरल आते हैं, आप फेसबुक पे रहते हैं, आजकल हर एक युवा के हाथ में अधिकतर मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है और किसी भी मैसेज को बिना देखे बिना समझे आप फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं, तो सबसे पहले उसकी सत्यता को ज़रूर जांच लेना चाहिए, गौरव जी बोलते हैं। हमारे अगले वॉचर हैं शिवरांग बैंगा करके हैं, ये बहुजन नायक की मूर्तियों में हमारा इतिहास बनाती हैं और बताती हैं, बताती ही रहेंगी। ये बोलते हैं बहुजन समाज की मूर्तियाँ हमारा इतिहास बताती हैं और बताती ही रहेंगी, क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने वो मूर्तियां, ऐतिहासिक मूर्तियां लगवाई हैं जो आने वाले सैकड़ों सालों तक खराब नहीं होंगी अगर इनका रखरखाव अच्छे से किया जाए। अगले अकील धाम जी बोलते हैं मंदिर बनाने वाले लोग बहुजन नायकों का मूर्ति को सहन कैसे करेंगे।
जो मंदिर बनाते हैं वो बहुजन समाज की मूर्तियों को कैसे पसंद करेंगे। तभी तो मीडिया मायावती का सकारात्मक कार्य चुस्त प्रशासन के दिखाती है, मूर्ति को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत कर जनता को दिग्भ्रमित करती है और करती है। ताज्जुब तो तब होता है जब बहुजन समाज के लोग भी इसका निंदा करने लगते हैं। कितनी खूबसूरती से अखिल जी ने बताया कि आपके समाज की, आपके परिवार की, आपकी बहन की, आपकी बेटी की या आपके मूर्तियों की कोई बुराइयां करता है और आप उसकी भावनाओं में आ जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। रामनारायण सिंधु जी बोलते हैं, ये मूर्तियां नहीं इतिहास है, संस्कृति और धर्म भी है, बहुजन समाज के गुरुओं, संतों, महापुरुषों और प्राचीन इतिहास है। इनको बिना भारतीय इतिहास है नहीं तो केवल अंधेरिक चतुरों की पुस्तकों से करा हुआ है। रामनारायण जी ने कितनी खूबसूरती से बताया है कि आप कल्पनाओं वाले चित्रों में ही रहते हैं, आप किसी भी मूर्ति का इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको हकीकत नज़र आएगी, उसमें उन मूर्तियों में दर्द नज़र आएगा। हमारे अगले वो हैं वॉचर आलोक कीर्ति जी हैं, समाज के पढ़े लिखे लोग गलत बात का समर्थन करते हैं और समाज को गुमराह करते हैं, ये समाज की मूल समस्या है। आलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को पसंद करा और उस वीडियो को देखने के बाद इतने खूबसूरत मैसेज भेजे कि समाज के पढ़े लिखे लोग ही हमारे उन भोले भाले बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करते हैं जो बहुत जल्दी किसी की भावनाओं में बह जाते हैं, और अपने समाज के लोग ही अपने बहुजन समाज को काटने का काम कर रहे हैं। हमारे अगले शिवांग कौर हैं, ये शिवांग कौर राजक हैं, जो बोलते हैं, जो बहन मायावती जी अम्बेडकर पार्क में मूर्तियां बनवाए हैं देव और गौरवशाली हैं, मंदिर हमारे सभी बहुजन समाज को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कितना अच्छा बताया उन्होंने कि बहन कुमारी मायावती ने जो मूर्तियां लगवाई हैं आपके बच्चों को, आपके परिवार को, हर एक व्यक्ति को, बहुजन समाज के हर एक व्यक्ति को उनके बारे में उसका इतिहास पता होना बहुत ज़रूरी है। दीपक त्यागी जी हैं हमारे, ये बोलते हैं बहन मायावती ने सही किया, इनका कितना अच्छा कहना है कि बहन कुमारी मायावती ने सही किया। हमारे अगले हैं ये दयाल शर्मा जी हैं, अशोक ने मूर्ति लगवाई जिस कारण से बौद्ध की मूर्ति आंदोलन की याद दिलाती है। ये विचारों का खेल है और मैं देख रहा हूँ ये दया शर्मा जी हैं और इन्होंने कितनी खूबसूरती से, क्योंकि विचारधारा हैं ये, बाबा साहब को पढ़ते हैं और हमारे से इनसे बात होती रहती है, और इन्होंने कितनी खूबसूरती से बताया, अशोक ने मूर्तियां लगवाई जिसके कारण बौद्ध की मूर्तियां आंदोलन की याद दिलवाती हैं, अशोक का पथ चलकर बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार किया, मूर्ति लोगों को पाखंड बनाती है लेकिन मायावती जी की द्वारा बनाई गई मूर्तियां सदियों तक आंदोलनों की प्रतिक्रिया बनेगी और मूर्ति पाखंड को खत्म करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों कि आपने इतने अच्छे कमेंट्स हम लोगों को दिए हैं। अगर हमारे वीडियोस के ऊपर हमारे अगले ये हैं, वीरेंद्र कुमार जी हैं, आप हमें रुकना नहीं, झुकना नहीं, अब केवल आगे बढ़ना है। वीरेंद्र कुमार जी ने कितने खूबसूरती से कहा, अब हमें रुकना नहीं, झुकना नहीं, केवल आगे बढ़ना है, इसके लिए हमें शिक्षित, संगठित और संघर्ष करते रहना है। बहुत खूबसूरत कमेंट्स आए हैं। और एक उमेश कुमार जी हैं, ये कहते हैं, ये हैं हमारे देवता, हमारे भगवान, ये एक अर्पित सावधान करके हैं, ये देश, ये बोलते हैं ये देश बहुजनों का है, अगर थोड़ा सा भी पैसा लगाकर मूर्तियां लगा दी गई तो कोई बुरा नहीं किया, बुरा उन लोगों के लिए लग रहा है जो इस देश में मूल निवासी हैं, है ही नहीं, ये बुरा उनको लग रहा है जो इस देश के मूल निवासी हैं ही नहीं और पराए देश में कब्जा करके अरबों खरबों रुपए मंदिरों में बर्बाद किए गए हैं जिसके मूल निवासियों का सिर्फ अहित ही हुआ है। हमारा अगला मैसेज आ रहा है, राम बरोही साकेत करके बोलते हैं, बहुजन समाज के महापुरुषों की तह दिल से प्रणाम। अब हमारा एक निवेदन है, एससी एसटी ओबीसी के 85% लोग एक हो जाएं, वरना आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाने के लिए आप ही दस्तक दे रहे हैं और इसका जिम्मेदार आप होंगे। कितनी खूबसूरत शब्दों से इन्होंने कहा कि अगर अभी भी नहीं जागे
बहुजन समाज के लोग, तो आने वाली पीढ़ियां आप अपने आप गुलाम बनते चले जाएंगे। हमारे अगले मैसेंजर हैं, ये बोलते हैं, जो दलित पिछड़ा इस गौरवशाली इतिहास स्थान का विरोध करते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह लोग सिर्फ एक बात जाने में विश्वास दिलाता हूं कि आपका सीना चौड़ा हो जाएगा आपने इतिहास को देखकर, क्योंकि इतिहास देखकर इतनी पत्थरों एवं गुणवत्ताओं से याद किया जाता है। हम लोगों का इतिहास बहन जी ने खड़ा कर दिया है, सिर्फ एक राज्य पूर्णकालिक सरकार बनने से। सोचो अगर देश स्तर पर उनका सरकार बन जाए तो इतिहास क्या पूरा भूगोल ही बदल जाएगा। मनोज कुमार जी, आपके इतने खूबसूरत मैसेज के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बताया कि अगर यूपी के अंदर एक बार की सरकार बनी थी तो बहुजन समाज का इतिहास देखने वाला हो गया। अगर बहन कुमारी मायावती का 2019 के अंदर प्रधानमंत्री बनती हैं तो भूगोल का नक्शा ही बदल जाएगा। तो मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। विनोद कुमार जी हैं, ये बोलते हैं, बहन जी ने अच्छा काम किया है, बुरा काम नहीं किया है, नेक्स्ट पीएम बहन जी। तो आप समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि बहुजन के लोगों का इस मूर्तियों के ऊपर क्या कहना था वो मैंने आज आपको बताया है। जो पहले दिल में था वो शायद गुमराह वाली बात थी, लेकिन आज बहुजन के लोगों को समझ आ गया है, जो बहन कुमारी मायावती ने करा वो कोई गलत काम नहीं करा। इस बहुजन समाज को इतिहास बनाने के लिए बहन कुमारी मायावती ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, संघर्ष में जीवन उन्होंने पूरा बिताया है। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी सभी बहुजन के समाज के लोगों तक पहुँच जाए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।